जब हमने इनको पकड़ा, इनसे हमने पूछताछ की और इसमें बताया कि इसमें एक लड़का है मुश्ताक अहमद चौपान अलियास हारून सन ऑफ गुलाम मोहम्मद चौपान, ये वागड़ त्राल का है और ये एक सी कैटेगरी मिलिटेंट वहाँ पे लिस्टेड है, ये एचएम का मिलिटेंट है वहाँ पे। और इसके साथ एक और मिलिटेंट शिजाउद्दीन शेख सन ऑफ गुलाम मुहीउद्दीन शेख, ये डाटसरा त्राल का है, ये दो मिलिटेंट थे और इन लोगों ने इंकशाफ किया कि हम वहाँ के मिलिटेंट हैं, एक्टिव मिलिटेंट है। और उसके साथ एक और OGW इरशाद अहमद लोन सन ऑफ रशीद लोन सी त्राल का है। तो इन लोगों से हमें AK-47 मैगजीन ग्रेनेड्स और पिस्टल रिकवर करने के बाद इन लोगों को हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद FIR लॉन्च किया और FIR लॉन्च करने के बाद हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की कि ये लोग यहाँ क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। हमारे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला कि ये बेसिकली साउथ कश्मीर के मिलिटेंट है और ये नॉर्थ कश्मीर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे सोपोर में आए थे। और इन्होंने यहाँ पे हमें काफ़ी लोगों के नाम बताए जो इनके कंटैक्ट में हैं, जो मिलिटेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं या जो इनके कंड्यूट्स हैं जिनका काम करना चाहते हैं। इनको बेसिकली हथियारों की कमी थी, ये हथियार अरेंज करने भी आए थे यहाँ पे और साथ साथ में ये रिक्रूटमेंट करने भी आए थे। और इसमें हमने ये देखा कि ये वहाँ पे जैश मोहम्मद के कुछ कमांडर हैं जो त्राल वाले साइड पे हैं, जिनका नाम अली और कासिम है, और HM के दो कमांडर रियाज नाइकू और एक हमाद करके हैं। ये जो लोग हैं ये दोनों के साथ कंटैक्ट में हैं, मतलब जैश के साथ भी कंटैक्ट में है और HM के साथ भी कंटैक्ट में है। इसका मतलब हुआ कि जैश और HM जो है जो इस नॉर्थ कश्मीर को इकट्ठे मिल के एक्टिवेट करना चाहती है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना चाहती है। उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने आर्मी 22RR की मदद भी ली, मार्कोस जो हमारे कमांडो हैं उनकी भी मदद ली और CRPF की मदद ली। और हमने इसमें 7 लोग इस वक्त तक गिरफ्तार किए जो या तो मिलिटेंट बनना चाहते थे या जो इनके लिए काम करते थे, जो इनको मिलने आए और इनको हमने गिरफ्तार किया। और इनको हमने इनसे भी हमने कुछ इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह और इनके मोबाइल फ़ोन जिसपे इनका कंटैक्ट इन मिलिटेंटों के साथ था वो भी रिकवर किए। और इस तरह ये ऑपरेशन जो है कल्मिनेट हुआ जिसमें हमें आज इस वक्त टोटल 10 लोग, 7 इनके ODW और ये पोटेंशियल जो मिलिटेंट्स थे वो जो 3 मेन टेररिस्ट्स में थे उनको हमने गिरफ्तार किया।